हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडन। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, सी प्लस प्लस में आपको नंबर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना होता है। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपके पास जो है इफ, इफ एल्स, इफ एल्स इफ, स्विच, इसके हेल्प से बेसिकली आप कंडीशन को चेक करते हो। कहीं पे भी यदि आपको कंडीशन चेक करवाना होता है तो वहां पे आप इन कीवर्ड्स को यूज करते हो। जब आप एक ही प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उस केस में आप फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप यूज करते हो। जब कहीं आपको प्रोग्राम को ब्रेक करना है तो उस केस में आपको ब्रेक कीवर्ड यूज करना होता है। जब आपको करेंट प्रोग्राम को स्किप करना होता है तो उस केस में आप कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हो। जब आपको कंट्रोल को जंप करवाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो वहां पे आप गो टू स्टेटमेंट यूज करते हो। तो ये हमारा फिलहाल इंट्रोडक्टरी सेशन था। आने वाले वीडियोज में हम वन बाय वन देखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।